श्रीराज है और ये तरुण गांधी प्रमाणी जी हैं। हम दोनों मिलकर के एक वीडियो क्रिएट किया है जिसका नाम है टेक्निकल ब्लॉग्स। और इसके अंदर हम जो है ये अभी हम जो खड़े हैं वो सब स्टेशन में खड़े हैं। तो सब स्टेशन में ST और LT पैनल का क्या काम है और हम इसका यूज़ क्यों कर रहे हैं अपने कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में, प्लांट में, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमने एक वीडियो में, ब्लॉग्स में बताया है। तो कृपया आप इसे देखें और पसंद करें। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और हम लोग पहले भी एक वीडियो बना चुका है उनके बारे में, वो भी एक बार और देख लो। हाँ हाँ ठीक है, तो पहले भी हमने एक वीडियो बनाया है क्लोरीनेशन के बारे में, वो भी आप देखें। और हम कंटिन्यू हम वीडियो अपलोड करेंगे, आप बस देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करें ताकि हम कंटिन्यूसली वीडियो आगे भी वीडियो बना सकें। ओके थैंक यू। तो ये सिंगल एसी पैनल है जो अपना मेन पावर सप्लाई आ रहा है पावर ट्रांसफर हुआ सिंगल एसी ये बीसीबी से आ रहा है ना बीसीबी से लाइन आ रहा है इससे हमारा लाइन आ रहा है ऊपर पावर पॉइंट लगा हुआ है स्टेबलाइजर मतलब उसको पावर सप्लाई देता है। ये इसके अंदर हमारा ट्रांसमीटर लगा हुआ है, अगर कोई फॉल्ट आता है या कोई प्रॉब्लम आता है तो यहाँ इंडिकेट करता है ऐसा ही जैसे ओवर करेंट है और फॉल्ट है पंच ठीक है। उसके बाद फिर हम आते हैं इसमें हमारा एक इनकमिंग है जो हमारा सिंगल डीसीबी रूम विद एवीआर होते हुए यहाँ पे आता है। इसमें भी हमारा उसी तरह मीटर मल्टी फंक्शन मीटर रिले वही एक पे आता है। ये इनकमर जो है सीटी मतलब ये करंट ट्रांसफर करता है। ठीक है, तो हमारा जो जितना भी वोल्टेज आ रहा है 11 KV का उसको वहाँ पे ट्रांसफार्मर से मतलब यहाँ पे भेजता है। उसके बाद फिर यहाँ से आउटपुट वन और आउटपुट टू दो ट्रांसफार्मर के लिए हमारा दो हमारे पास ट्रांसफार्मर भी है। हाँ आगे ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर भी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर भी है। ठीक है ठीक है, कंट्रोल में कंट्रोल में टोटल आउटपुट वन और आउटपुट वन से हमारा इस ट्रांसफार्मर में आ रहा है सप्लाई ये फुल बटन का स्टेप डाउन स्टेप डाउन मिनिमम वोल्टेज को स्टेप डाउन करके हमको यहाँ पे पहला इनकमिंग आउटगोइंग से दोनों के दो अलग अलग ट्रांसफार्मर के लिए अलग अलग ट्रांसफार्मर आउटगोइंग वन ट्रांसफार्मर और ये स्टेप डाउन आउटगोइंग टू ट्रांसफार्मर। ठीक है, दो आउटगोइंग टू का ट्रांसफार्मर में सप्लाई यहाँ से आ रहा है यहाँ पे यूजुअल फिर ये तीन फेज UVW। ठीक है, उसके बाद फिर हमारा वहाँ से सब सप्लाई ट्रांसफर हो करके हमारा इनकमर वन से और मतलब आउटगोइंग वन के ट्रांसफार्मर से इनकमर वन के ट्रांसफार्मर में आ रहा है। ठीक है, जो AC भी लगा हुआ है। ठीक है, एयर सर्किट ब्रेकर। उसके बाद फिर इनकमर टू, अब इनकमर वन और इनकमर टू से सप्लाई ट्रांसफर हो करके हमारा आउटगोइंग टू और आउटगोइंग वन यहाँ से डायरेक्ट PMCC में चला जा रहा है LT पैनल। ये भी हमारा LT पैनल है। ST पैनल से पावर को स्टेप डाउन करके दोनों ट्रांसफार्मर दे देता है, फिर उस ट्रांसफार्मर से हमारा दोनों इनकमर में आता है LT पैनल से डायरेक्ट PMCC चला जाता है, फिर यहाँ से डायरेक्ट हमारा PMCC चला जाता है। जाती